Hello everyone, now we are going to discuss about past continuous tense. Past continuous tense किसी time पर वो काम हो रहा था, तो identification क्या हो गई, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आए, वो हमारा past continuous tense होता है. जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आए, वह वाक्य past continuous tense का होता है. अब इसकी sentence formation देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी sentence formation करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन द नेगेटिव वन सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड द इंटरोगेटिव वन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी देन सब्जेक्ट देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी. नाउ सी द फॉर्मेशन हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस हियर. आई वॉज रीडिंग अ बुक. आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. Was I reading a book? Sign of interrogation. We were reading a book. We were not reading a book. Were we reading a book? Second person में देखिए. You were reading a book. You were not reading a book. Were you reading a book? Similar in the plural. He was solving the sum. He was not solving the sum. Was he solving the sum? They were solving the sum. They were not solving the sum. Were they solving the sum? अब आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल्स के लिए वी यू दे और कोई प्लूरल अगर आ जाता है तो उसके लिए हमने वर का यूज़ करना है. सिंगुलर के लिए वोज का यूज़ करना है. अब इसके यूजेस देखेंगे कहाँ कहाँ पर हम इस टेंस को यूज़ करना कहाँ कहाँ पर हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फॉर एन एक्शन दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट वैन An interrupted action expressed in the simple past tense happened. क्या कहता है वो यहाँ पे? For an action, उस action के लिए that was taking place in the past, जब वो past में हो रहा था, when an interrupted action happened, जब ये interrupted action हुआ. We were camping when I got stung by a bee. हम camping कर रहे थे जब वो He got stung by a bee. Bee ने उसको काटा. When I visited him in the hospital, he was snoring loudly. जब हम हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए गए वो बहुत जोर जोर से स्नोरिंग खराटे मार रहा था. While he was reading the newspaper, he fell asleep. जब वो newspaper पढ़ रहा था he fell asleep. वो सो गया. While I was talking to him, his eyes looked somewhere else. जब मैं उससे बात कर रहा था जो उसकी आईज थी वो कहीं और थी, मतलब वो किसी और के लिए देख रहा था वहाँ पे. अब इन सेंटेंसेस में आप देखिए कि एक एक्शन जैसे आई गोट स्टंग बाय की वी वर कैंपिंग वैन हम कैंपिंग कर रहे थे वैन आई वॉज स्टंग बाय भी जब मुझे मधुमक्खी ने काट लिया जब मक्खी ने मुझे काट लिया तो उसमें उसने यही कहा है कि एक एक्शन के लिए दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट पास्ट में वो हो रहा था व्हेन एन इंटरप्टेड एक्शन हैपन जब दूसरा इंटरप्टेड एक्शन हैपन हुआ. सो सेम थिंग एक एक्शन हो चुका है और दूसरा हो रहा है. ठीक है. टू शो दैट इट इज़ इन द मिडल ऑफ एन एक्शन जब आपको ये शो करना हो कि आप मिडल में हो एक्शन के देन वी आर गोइंग टू यूज पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस थे मतलब उस टाइम पे. आई वॉज कलेक्टिंग ओल्ड न्यूज़पेपर. आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग द collecting the police sirens were wailing. Next point dekhiye for an action that was happening and not yet finished at a particular time or throughout a period of time in the past us action ke liye that was happening jo ho raha tha and not yet finished jo bhi pura nahi hua tha at a particular time ek particular time par or throughout a period ऑफ टाइम इन द पास्ट पास्ट में जो टाइम गिवन था उसमें वो पूरा नहीं हुआ था. व्हेन द एक्शन स्टार्टेड और एंडेड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट जो एक्शन है कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ग्रैंडमा वॉज नीटिंग अ सॉक एट 11 o'clock लास्ट नाइट. जो ग्रैंडमा है नीट होता है बुनना बुनाई कर रही थी सॉक सॉक्स होती है जो जुराबे पहनते हैं आप एट 11 o'clock लास्ट नाइट. लास्ट नाइट 11 o'clock वो निटिंग कर रही थी. दे वर हंटिंग वाइल्ड
बोर्ड्स ऑल इवनिंग, आई थिंक बियर्ड्स होना चाहिए यहाँ पे, तो वो हंटिंग कर रहे थे जो वाइल्ड बियर्ड्स हैं उनकी इवनिंग में. पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल पास्ट टेंस आर यूज्ड विद वाइल इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट टू एक्शंस वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में जो हमारे टू एक्शंस हैं एक टाइम पर ही वो दोनों एक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. वाइल माई ब्रदर वॉज लाफिंग माई सिस्टर वॉज क्राइंग, जब मेरा भाई हंस रहा था मेरी सिस्टर रो रही थी. वाइल फादर वॉज ड्रिंकिंग वाइल माई मदर वॉज ईटिंग, वाइल हर कैट वॉज मियोइंग हिज डॉग वॉज बार्किंग. तीमा डांस्ड वाइल सीमा प्लेड ऑन पियानो, जब टू एक्शंस आपके सेम टाइम पे हो रहे हो देन दिस टेंस इज यूज्ड. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू.